हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों बहनों, मित्रों, सो टी मल्टीटास्कर इज बैक। और आज मैं 6 महीने बाद जिम गया और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि एक नया बंदा या एक बिगिनर जब जिम जाता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जिसमें एक बड़ा कंसर्न हो सकता है कि हाउ टू फाइंड ए गुड ट्रेनर और परफेक्ट ट्रेनर फॉर यू। कैसे एक अच्छा जिम ट्रेनर पिकअप करें और जो भी ट्रेनर आपको एडवाइस दे रहे हैं वो आपके लिए एज ए बिगिनर सही है कि नहीं, कैसे फाइंड करें, तो इसी चीज़ के अराउंड 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि अगर ट्रेनर कुछ आपको इस टाइप की एडवाइस दे रहा है तो वो आपके लिए सही साबित होंगी या नहीं होंगी। सो गाइज, पॉइंट नंबर 1 इज डोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिक। इतनी जनरलाइज अप्रोच ना रखें कि जिसकी अच्छी बॉडी उसको आपने एक पेडेस्टल पर पुट कर दिया और अब जो ये भैया या ये ट्रेनर जो बोलेंगे वो सब सही बोलेंगे। एक अच्छी फिजिक बनाना इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि जो भी उनका नॉलेज है या जो भी वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ट्रेनर की फोटोज़ यहाँ डाल दूंगा जिनकी खुद की फिजिक इतनी अट्रैक्टिव नहीं है बट वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि किसी लड़के ने IIT टॉप करा है तो एज ए स्टूडेंट और एज ए कैंडिडेट वो टॉपर हो सकता है या इंडिया में सबसे अच्छा हो सकता है, टॉप कर सकता है, बट वेन थिंग्स कम्स टू टीचिंग और किसी को सिखाना है तो वो नंबर वन ट्रेनर नहीं हो सकता और नंबर वन टीचर नहीं हो सकता। तो सेम गोज इन द जिम एज वेल। अगर आपका ट्रेनर की फिजिक ज़्यादा अच्छी नहीं है वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इसके लिए आप हमेशा उनका क्लाइंट पोर्टफोलियो देखें, ना कि उनकी फिजिक। क्लाइंट पोर्टफोलियो क्या होता है? जिन जिन भी लोगों को आज से पहले और पहले उनने ट्रेन करा है उनको कैसे कैसे रिजल्ट्स मिले या उनको रिजल्ट्स आए कि नहीं उनकी ट्रेनिंग से, आप ये चेक करें, ना कि ये कि उनकी फिजिक कितनी अच्छी है। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ये खुद को एक बेचने का तरीका है कि उनने अगर अच्छी बॉडी बना रखी है तो जनरल सी बात है वो आपको अपील करेंगे, अच्छा देख के ऐसा लगता है कि वो हमारी बॉडी बनवा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे ट्रेनर ऐसे हैं जिनकी खुद की बॉडी इतनी प्लीजिंग या इतनी अट्रैक्टिव नहीं है बट वो सिखाने के तौर पे, वो आपको ट्रेनिंग देने के तौर पे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे अगर किसी की बॉडी अच्छी नहीं है तो उसको लुकडाउन भी ना करें और किसी की बहुत अच्छी है तो उसको एक पेडेस्टल पे पुट भी ना करें। तो ये वाला जजमेंट ये छोड़ दें, उनका क्लाइंट पोर्टफोलियो देखें, उसके बाद ही कोई ट्रेनर डिसाइड करें या उसकी एडवाइस किस एक्सटेंट तक मारनी है ये डिसाइड करें। दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी ट्रेनिंग के इनिशियल डेज में ही या आपने जिम ज्वाइन करा है शुरुआती दौर में ही अगर ट्रेनर आपको ये बोलता है कि आपको सप्लीमेंट कंपलसरी बेसिस पर लेने ही लेने हैं, इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है, उनसे दूर हो जाओ। स्टार्टिंग में किसी को भी बिना अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज जाने, अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना के बारे में बिना जाने सप्लीमेंट्स की तरफ भागना इज नॉट ए गुड थिंग। मैं अगर अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करूँ, तो मैंने इनिशियल डेज में भी नहीं शुरू के 3-4 सालों में मैंने कोई भी किसी प्रकार का सप्लीमेंट नहीं लिया और मैं यहाँ पे फोटोज डाल दूंगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अपनी फिजिक को एलिवेट कर पाया, थोड़े अच्छे मस्कुलर लेवल पे लेके जा पाया, आप देख सकते हैं, और विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट आपको बस सपोर्ट करने होता है। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि आपको इनिशियल डेज में सप्लीमेंट्स लेने लेना है, इसका मतलब वो आपको गलत एडवाइस कर रहा है, उसकी बात ना माने। पॉइंट नंबर 3, अगर वो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं पूरा लिख के प्रॉपर कि आपको 7 बजे ये खाना है, 8 बजे ये खाना है, 10 बजे ये खाना है, सोने से पहले ये खाना है, ऐसा एक स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं, इसका मतलब वो इंसान या वो ट्रेनर आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज जब तक आप फिटनेस को एज अ सस्टेनेबल अप्रोच, एज अ सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं देखोगे, चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करेंगी। एक दो दिन हो सकता है जोश में आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लें, बट एक स्ट्रिक्ट डाइट लंबे टाइम तक आप फॉलो नहीं कर सकते, आप जिम से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको प्रोसेस में मज़ा नहीं आएगा, आप फिर आगे जिम नहीं जाओगे, आपको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। इसलिए कोई भी ट्रेनर अगर आपको स्ट्रिक्ट डाइट देता है जैसे कि 7 बजे उठ के बादाम में घी डाल के हलवा बना के खाना है तो वो सही चीज़ नहीं है आपके लिए। फिटनेस में हमेशा एक सस्टेनेबल अप्रोच देखें, सस्टेनेबल वे देखें कि अगर वो काम आपको सालों तक भी करना पड़े तो आप उसको ना करें, तो एक ऐसी डाइट पर जाएँ। अगर कोई ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देता है दैट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपके ट्रेनिंग के इनिशियल डेज में कोई आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, किसी भी टाइप के इंजेक्शंस या ओरल ड्रग्स या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। आपको इनिशियल डेज में किसी भी टाइप के एनाबॉलिक्स और महंगे सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनिशियली अच्छा वर्कआउट करिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, डाइट के बारे में सीखिए। अगर ऐसी टाइप की कोई भी चीज़ें सजेस्ट कर रहा है स्टेरॉइड्स टाइप, तो वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इज डोंट फॉल फॉर सर्टिफिकेशन। एक और नई चीज़ होती है कि ये सर्टिफाइड ट्रेनर है। सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन एक ट्रेनर को या कोच को एलिजिबल तो बनाता है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उनकी नॉलेज अच्छी हो सकती है बट इस चीज़ को भी फेक करा जा सकता है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कुछ पैसे में आपको सर्टिफिकेशन दे देते हैं। तो
सर्टिफिकेट देख के ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो नहीं करना है। मैंने अगेन आपको बोल रहा हूँ कि उनका क्लाइंट पोर्टफोलियो देखें, उनने किन किन लोगों को हेल्प करी है प्रीवियस डेज में और किस लेवल पर उनको रिजल्ट मिले हैं। तो सर्टिफिकेट देख के डिसाइड नहीं करना है कि हाँ ये ट्रेनर मेरे लिए सही है। तो ये सब तो बातें हो गई कि कौन सा ट्रेनर आपको नहीं चूज करना है और कौन सा ट्रेनर आपके लिए अच्छे नहीं है। तो अच्छा ट्रेनर कौन है? एक अच्छा ट्रेनर वो है जो आपको फ्लेक्सिबल डाइट दे, आपके टेस्ट बड्स का ख्याल भी रखे। आप अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको ऑप्शंस दे कि हाँ ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं, आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेनर वो है जो आपको सस्टेनेबल डाइट और सस्टेनेबल एक्सरसाइज बताए, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे जिम रिजीम में या एक्सरसाइज में और आप लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को अटेन कर पाएं। बिकॉज मसल बिल्डिंग इज अ स्लो प्रोसेस और आपको रिजल्ट धीरे धीरे ही मिलेंगे। तो ये भी ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में कोई ट्रेनर आपको खतरनाक लेवल की एक्सरसाइज करा देगा या स्ट्रिक्ट डाइट दे देगा, तो आप 2-3 महीने से आगे नहीं टिकोगे, आप भाग जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा मसल बिल्ड करने में। तो एक अच्छा ट्रेनर वो है जो आपको इंजरी फ्री भी रखे, इट मीन्स वो आपको इनिशियल डेज में कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज ना कराए जिससे आपको इंजरी हो। सो होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी किसी को ट्रेनर के अराउंड या कैसे ट्रेनर चूज करें, किसके एडवाइस माने ना माने, इसके अराउंड कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे लिख सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, मैं अपन उसको एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो, और अगर आप यहाँ तक बने हो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।